पढ़ा था हमने गुरुत्वीय अन्यन क्रियाओं के अधीन सामान्य हल। अब जो हल निकाला था हमने हर बार क्या निकला था उसका सॉल्यूशन आर बराबर पी बटे वन प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, जहां पर एप्सिलॉन क्या थी उसकी उत्केंद्रता थी। तो हम इस उत्केंद्रता का मान निकाल रहे हैं। नोट्स में जो पीडीएफ आपको सेंड की उसमें इस गुरुत्वीय अन्यन क्रियाओं के अधीन सामान्य हल के बाद क्या टॉपिक हो रहा है केपलर के नियम, वो हमको बाद में पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है इस टॉपिक का ही सॉल्यूशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है उत्केंद्रता। तो केंद्रीय बलों के लिए उत्केंद्रता का निर्धारण ऊर्जा संरक्षण द्वारा दिया जाता है, जिसके अनुसार ऊर्जा का मान क्या होता है ई बराबर होता है हमारा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, ई बराबर क्या निकला था हमारा 1/2 एम डी आर बटे डी टी का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बटे 2 एम आर स्क्वायर प्लस यू। ये क्या थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी गतिज ऊर्जा थी, ये हमारी स्थितिज ऊर्जा थी, ये काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारी घूर्णन गतिज ऊर्जा थी। तो क्या कह रहे हैं हम केंद्रीय बलों के लिए जो उत्केंद्रता का निर्धारण होता है वो किसकी सहायता से होता है ऊर्जा संरक्षण द्वारा होता है, जिसके अनुसार क्या था हमारा ई बराबर 1/2 एम डी आर बटे डी टी का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बटे 2 एम आर स्क्वायर प्लस यू प्लस यू बराबर ये क्या था हमारा कॉन्स्टेंट था। यदि गुरुत्वीय बल क्षेत्र के रूप में इसको किसके रूप में ले रहे हैं गुरुत्वीय बल क्षेत्र के रूप में, तो अब ई का मान क्या मिलेगा हमारा गुरुत्वीय बल क्षेत्र में यू बराबर क्या था हमारा माइनस के के अपॉन आर। तो क्या मिलेगा हमारा ई बराबर 1/2 एम डी आर बटे डी टी का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बटे 2 एम आर स्क्वायर, यू क्या है हमारा माइनस के अपॉन आर, तो यू बराबर क्या लिख दिया माइनस के बटे आर। क्योंकि गुरुत्वीय बल क्षेत्र के लिए यू का मान किसके बराबर होता है माइनस के बटे आर, इसको डाला हमने समीकरण 1। यदि थीटा बराबर 0 हो तो इस स्थिति में आर का मान क्या होता है न्यूनतम होता है, अतः इस बिंदु पर वेग का मान भी वेग का मान क्या है शून्य होता है। थीटा बराबर 0 पर आर का मान न्यूनतम होता था, आर का मान न्यूनतम है तो डी आर बटे हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, तो आर का मान मिनिमम है न्यूनतम है तो डी आर बटे डी टी का मान क्या होगा शून्य प्राप्त होगा। तो क्या होगा समीकरण 2 से समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा हमारा ई बराबर, क्योंकि बी आर डी आर बटे डी टी का मान क्या हो गया 0 हो गया, कब जब थीटा बराबर क्या हो 0, तब आर का मान कैसा होता है मिनिमम, और आर का मान मिनिमम है तो डी आर बटे डी टी का मान क्या होगा 0, तो ये पद क्या हो गया 0, तो हमारा क्या मिलेगा जे स्क्वायर बटे 2 एम आर मिनिमम का होल स्क्वायर माइनस के बटे आर मिनिमम। समीकरण क्या आधार लिया इसको 2, चूंकि आर का क्या फॉर्मूला था हमारा आर बराबर था पी बटे 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, ये था हमारा आर मिनिमम का। आर मिनिमम कब मिलती है हमको जब थीटा बराबर क्या था 0, थीटा 0 बराबर क्या था हमारा 0, ये किसका है हमारा आर मिनिमम का फॉर्मूला। तो इससे क्या मिलेगा हमको आर का फॉर्मूला क्या था हमारा पी बटे 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, यदि थीटा का मान 0 हो तो हमको क्या मिलेगा आर का मान मिनिमम, तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा पी बटे 1 प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या है हमारा 0, थीटा बराबर कितने की डिग्री का है 0 डिग्री का, और कॉस 0 कितना होता है हमारा 1 होता है, तो क्या मिल जाएगा हमारा आर मिनिमम का मान पी बटे 1 प्लस एप्सिलॉन। वापस सुनो हम क्या कह रहे हैं कि उत्केंद्रता का निर्धारण के लिए हम किसका हल करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या था हमारा, ये था हमारा ई बराबर 1/2 एम डी आर बटे डी टी का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बटे 2 एम आर स्क्वायर प्लस यू। ये क्या थी हमारी गतिज ऊर्जा घूर्णन गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, इसको ले रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में यू बराबर क्या होता है माइनस के बटे आर। तो हमारा क्या मिला समीकरण 1, हम कह रहे हैं कि जब थीटा बराबर क्या हो 0, तो थीटा बराबर 0 स्थिति में आर का मान क्या होता है मिनिमम, और आर मिनिमम होता है तो डी आर बटे डी टी का मान क्या होता है 0।
चूंकि आर का मान क्या था, पी बटे वन प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर जीरो, तो कॉस जीरो वन, तो क्या मिलेगा आर मिनिमम का मान पी बटे वन प्लस एप्सिलॉन। ये आर मिनिमम का मान कहाँ रखना है हम समीकरण दो में, तो क्या मिलेगा हमारा ई बराबर जे स्क्वायर बटे टू एम। देखो आर मिनिमम का मान क्या है, पी बटे वन प्लस एप्सिलॉन, पी बटे वन प्लस एप्सिलॉन, इसका क्या है स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर क्या हो गया पी स्क्वायर, वन प्लस एप्सिलॉन कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा वन प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस के बटे, नीचे क्या आएगा पी, क्या आएगा वन प्लस एप्सिलॉन। चूँकि पी बराबर क्या था हमने पढ़ा था, चूँकि पी बराबर था हमारा जे स्क्वायर बटे एम के, क्या था जे स्क्वायर बटे एम के, तो पी का मान रख दो, पी का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा ई बराबर जे स्क्वायर वन प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर टू एम, पी का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो जे स्क्वायर, तो क्या हो गया नीचे जे फोर, एम के का स्क्वायर, एम के कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के वन प्लस एप्सिलॉन जे स्क्वायर इंटू एम, और के इंटू के क्या हो जाएगा हमारा के स्क्वायर। अब देखो इसमें वन प्लस एप्सिलॉन, वन प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर लिख रहा है, उधर क्या लिख रहा है हमारा वन प्लस एप्सिलॉन, तो मैं वन प्लस एप्सिलॉन और जे स्क्वायर बटे टू जे को क्या लेता हूँ मैं कॉमन लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, अभी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ई बराबर ऊपर क्या है एम स्क्वायर, नीचे क्या है एम, तो एम से एम कैंसिल, जे स्क्वायर जे फोर, तो क्या मिलेगा जे टू, तो क्या मिला हमारा एम के स्क्वायर बटे टू जे स्क्वायर वन प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस एम के बटे जे स्क्वायर इंटू वन प्लस एप्सिलॉन। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा ई बराबर एम के स्क्वायर बटे जे स्क्वायर में कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा वन प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर बटे टू माइनस वन प्लस एप्सिलॉन, अर्थात क्या मिलेगा ई बराबर एम के स्क्वायर बटे जे स्क्वायर वन प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस एप्सिलॉन बटे टू। या क्या सॉल्व करूंगा इसको, ई बराबर एम के स्क्वायर टू एलसीएम, तो टू जे स्क्वायर, अब मैं वन प्लस एप्सिलॉन कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा वन प्लस एप्सिलॉन माइनस के टू, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस कोष्ठक को क्या लिख सकता हूँ वन प्लस एप्सिलॉन इंटू वन प्लस एप्सिलॉन, तो e का मान क्या मिला हमारा e बराबर मिला हमको m k स्क्वायर बटे टू जे स्क्वायर वन प्लस एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन माइनस वन। या क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा m k स्क्वायर बटे टू जे स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन। तो ई का मान क्या मिला हमको, हमने सॉल्व किया तो ई का मान मिला हमको एम के स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन बटे टू जे स्क्वायर। हमें तो क्या निकालना है, उत्केंद्रता निकालनी, क्या निकालनी है एप्सिलॉन निकालनी है, तो इसको और आगे इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर होगा, टू ई जे स्क्वायर बटे एम के स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा,
एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन का मान निकालना है, तो टू जे स्क्वायर कहाँ जाएगा, गुणा में, ये कहाँ आएगा, भाग में, तो एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर मिलेगा, टू ई जे स्क्वायर बटे एम के स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से एप्सिलॉन स्क्वायर का मान निकालूंगा तो क्या निकलेगा, टू ई जे स्क्वायर बटे एम के स्क्वायर प्लस के वन। यदि मैं कहूँ कि एप्सिलॉन का मान निकालूँ तो एप्सिलॉन बराबर क्या आएगा, अंडर रूट टू ई जे स्क्वायर बटे एम के स्क्वायर प्लस वन। ये क्या होती है हमारी उत्केंद्रता, तो ये क्या निकली हमारी उत्केंद्रता। वापस देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि उत्केंद्रता को हल करने के लिए क्या लिखा था हमने, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से क्या किया हमने, उसके बाद उसको किस में लिखा, गुरुत्वीय में। गुरुत्वीय में क्या होता है, यू बराबर माइनस के अपॉन आर, उसके बाद हमने यू माइनस के अपॉन आर समीकरण एक में सॉल्व किया। उसके बाद क्या लिखा हमने, आर का, आर क्या होता है, आर बराबर पी बटे वन प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। हम क्या कह रहे हैं, थीटा बराबर जीरो हो तो आर कैसी होती है, न्यूनतम होती है, और न्यूनतम होती है तो इसका वेग बराबर क्या होता है, जीरो, अर्थात डी आर बटे डी टी का मान जीरो। सॉल्व किया तो हमको ये सॉल्व मिल गया, ये क्या कहलाती है हमारी उत्केंद्रता। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र में पथ का समीकरण, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।